गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछली क्लास में क्वेश्चंस किए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जिसमें हमने आपको सेक्शन फॉर्मूला के कुछ क्वेश्चंस करने सिखाए थे, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन है बोर्ड पे, शो दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम एक छोटा ट्राइंगल बना लेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री हो। और आइसोसेलेस का क्या मतलब होता है? ये उसकी दो साइड इक्वल भी होनी चाहिए। तो अगर मैं इनको रैंडम पॉइंट्स को ऐसे नाम दे दूं, ए बी सी 3, -1, 5, -1 और 3, -3। सबसे पहले हमें पता है हमें पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। अगर आइसोसेलेस लगाना है तो हमें ये ए बी और बी सी इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, और अगर हमें राइट एंगल प्रूफ करना है तो हमें पाइथागोरस से ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे काम कर रहा हूँ। ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 अगर मैंने ये दिया पॉइंट 5 - 3 का होल स्क्वायर और -1 - -1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 5 - 3 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1 और +1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 + 0 यानी कि रूट में 4 2। ए बी हमारा डिस्टेंस आ गया 2। इसी तरह से हम बी सी निकाल लेंगे। अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला हमने एक जगह लिख दिया है, बट आपको एग्जाम में हर जगह लिखना है। एग्जाम में फॉर्मूले लिखने के भी हाफ मार्क्स होते हैं, ठीक है। 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 + 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, ये प्लस थ्री क्यों किया है? क्योंकि मैंने यहाँ पे -(-3) का डायरेक्ट कर दिया। पहले समझने पे ध्यान देंगे, नोट बाद में करेंगे, मैं टाइम दूंगा आपको नोट करने के लिए। 2 का स्क्वायर तो ये हो गया 4 + 4 √8। इसको मैं लिख सकता हूँ 2√2। तो हमारे पास ए बी आ गया, बी सी आ गया। अब ए सी निकाल रहे हैं, ए सी में क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 - 3 का होल स्क्वायर -1 + 3 का होल स्क्वायर। सिर्फ फॉर्मूला लगा रहा हूं, बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। रूट में 4 2 आ गया, ठीक है। अब हमें सबसे पहले देखना था, देखो हमारा ए बी और ए सी इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि हम इसको ए बी और ए सी इक्वल आ रहे हैं, तो हम यहां पे पॉइंट ए ले लेंगे। अभी चेंज करता हूं फिगर को ताकि हमें दिक्कत नहीं हो। देखो अभी तो हमने रैंडम लिया था, अब हम फिगर को ऐसे ले लेंगे। हमारा ए बी और ए सी इक्वल आ रहे हैं, तो हमारी ये दोनों साइड इक्वल होंगी। तो हमने ए बी ले लिया, ए के पॉइंट्स थे ये और बी के पॉइंट्स थे ये और सी के पॉइंट्स थे ये। क्योंकि देखो मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि ए बी हमारी परपेंडिकुलर साइड थी, वो हमारी हाइपोटेन्यूज के इक्वल नहीं हो सकती। वो तो मैंने क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक रैंडम ले लिया था, इससे हमारी ये फिगर क्लियर हो गई कि हमारा ये आइसोसेलेस तो है, ठीक है। अब राइट एंगल के लिए हमारा क्या होता है? अगर हम बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कर दें, बी सी स्क्वायर मतलब कि 2√2 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ये और ए सी स्क्वायर ये तो हो जाएगा 8, ये 4 + 4 तो इक्वल आ गया। एक बार फिर बताता हूं, सबसे पहले हमें दो चीजें इसमें प्रूफ करनी है, एक तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो। आइसोसेलेस के लिए कोई भी दो साइड इक्वल होनी चाहिए, राइट एंगल के लिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री हमारा पाइथागोरस से प्रूफ होता है। तो मैंने पहले जस्ट रैंडम पॉइंट्स ले लिए ए बी और सी, मुझे नहीं पता भी कौन सी तीन साइड इक्वल होंगी, मैंने डिस्टेंस निकाल लिया तीनों का। अब जैसे ही मुझे पता चला ए बी और ए सी इक्वल आई है, तो मैंने उनको फिगर पे ए बी और ए सी रख दिया। अब यहाँ पे मुझे बी सी पता है मेरा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो मैंने पाइथागोरस लगाई बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इक्वल आ रहा है, दोनों चीजें हो गई। ओके नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड पेरिमीटर ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन बाय 8, 6, 8, -2 एंड 2, -2।
तो हमें ये पता है सबसे पहले पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का, तीनों साइड्स का प्लस होता है, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, हमें फाइंड आउट तो करना है ये, ठीक है। अगर अब हमें ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी फाइंड आउट करना है तो हमें तीनों का डिस्टेंस भी चाहिए होगा। हम यहां पे क्या करेंगे, इनको रैंडम लेट कर लेंगे, ए हमारा पॉइंट ये है, बी हमारा ये है और सी हमारा ये है, फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ए बी। कभी भी हमें क्वेश्चन जल्दबाजी में नहीं भागना है, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है माइनस प्लस की मिस्टेक होती है, सारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। और एक ध्यान देना है निकालना क्या है, निकालने के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का और फिर ए सी का। ए बी का डिस्टेंस में निकालता हूं, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे ए बी की बात कर रहा हूं तो मैं बी और ए के पॉइंट्स पे काम कर रहा हूं, ऐसे वाई के लिए मैं ये और इस पॉइंट पे काम कर रहा हूं, बाकी मैं किसी पॉइंट पे ध्यान नहीं दूंगा। माइनस सिक्स माइनस टू कितना हो गया, माइनस एट का स्क्वायर 64 होगा और ये हो जाएगा 8। इसी तरह से BC क्या हो जाएगा, BC हमारा 8 माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू प्लस टू का होल स्क्वायर। फिर बता देता हूं मैंने यहाँ पे प्लस क्यों लिया है, क्योंकि माइनस है और ब्रैकेट में भी माइनस है, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता, ठीक है। अब 8 माइनस टू हमारा 6 होता है और ये तो हमारा 0 ही हो गया। तो 6 का इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, देखो अगर आप चाहो तो पहले 6 का स्क्वायर 36 लिखो और फिर उसका रूट सॉल्व करोगे तो 6 आ जाएगा, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास 6 आ गया। ए बी और बी सी आ गया, अब ए सी निकाल रहे हैं, ए सी मतलब कि ये और ये वाला पॉइंट, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये हो गया 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, ये हो गया 36 64। वैसे देखो बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर इजी कैलकुलेशंस वाले आते हैं, बहुत टफ नहीं होता। अगर आपने क्वेश्चन सोल्व किया है तो देखो हमें देख के समझ आ रहा है, यहाँ पे 64 का रूट हमें इजीली पता होता है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 होता है उसका रूट इजीली पता है, यहाँ पे 100 आ रहा है तो उसका रूट हमें इजीली पता है। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ए बी है 8, बी सी है 6, ए सी है 10, 14 प्लस 10 24, तो यानी हमारा रिक्वायर्ड पैरामीटर ये हो गया। कभी भी क्वेश्चन करते टाइम एंड में यहाँ पे लिखना जरूर रिक्वायर्ड पैरामीटर इक्वल टू 24 और उसे बॉक्स में अंडरलाइन कर देना, ताकि आपका आंसर हाईलाइट हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके नो डाउन, देखो कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आइसोसेलेस, तो हमें मतलब कह रहा है ए बी इक्वल टू ए सी है, अगर हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं तो ये ऐसी कंडीशन कह रहा है कि ए बी और ए सी इक्वल होंगी, तब हमें के की वैल्यू बतानी है। तो पहले तो मैं इनके पॉइंट्स रख दूंगा, सिंपल है ये के माइनस सिक्स और 8.1। अब हमें आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी पता है ऑलरेडी कि ए बी इक्वल टू ए सी, वो कह रहा है कोई भी दो साइड इक्वल होती है और उसने हमें दो साइड दे दी, तो इनमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ऐसे ए सी में अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चे सोचते हैं ये a माइनस बी का है या माइनस ए माइनस बी का है, तो देखो मैं सिंपल क्लियर कर दूं बात, इसको a मानो और इस k को b मानो, तो यानी अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूं a हमारा माइनस थ्री है और b हमारा k है, तो हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है जो कि हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होगा। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ताकि कोई गलती ना हो, देखो ए स्क्वायर मतलब कि माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू में ए इंटू में बी, ये हो गया 121, k
ये भी 121, ये हो गया 16, ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूं 9 प्लस के स्क्वायर प्लस 6k, तो इसको मैं ऐसे लिख लूंगा के स्क्वायर प्लस 6k, 16 में से 9 गए, ये कितना हो गया 7। अब इसको हम देखें तो मिडिल टर्म स्प्रेड कर सकते हैं, के स्क्वायर प्लस 6k माइनस 7 इक्वल टू 0, के स्क्वायर 7k माइनस k, 7 माइनस 7 होता है, 7 में से 1 जाता है तो 6 आ जाएगा, k प्लस 7 माइनस 1 कॉमन ले लो, k प्लस 7, मिडिल टर्म स्प्रेड कराएंगे सिंपल, यहां पे और कुछ भी नहीं किया है, ये k माइनस 1। अब मैं जब दोनों को इक्वेट करूंगा 0 के तो k इक्वल टू माइनस 7 आ जाएगा और k इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो ये हमारी दो वैल्यूज आ रही है k की। एक बार फिर क्लियर करता हूं, सिंपल जो हमारे पास दोनों वैल्यूज गिवन है, एक स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे ab इक्वल टू ac, हमने उसी साइड को ले लिया, दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करा सिंपल, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, आपको बोर्ड में भी इसी तरह से लिखना है, अगर आप जो भी फॉर्मूला यूज करोगे उसको राइट में ब्रैकेट में लिख के दिखाओगे, ठीक है। सोल्व करें, यहाँ पे आके हमारे पास एक मिडिल टर्म स्प्रेड करने वाली कंडीशन बन गई, सोल्व करते हैं आंसर आगे, ओके नोट डाउन। अब एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, सर्कल के रिगार्डिंग है, सर्कल सिर्फ इसमें नाम है, वैसे इसको कुछ ज्यादा यूज नहीं हुआ है। देखो कह रहा है पॉइंट्स P A 4.3 एंड B x.5 आर ऑन द सर्कल विद सेंटर दिस। देखो एक सर्कल बना लेंगे, सेंटर हमने रख दिया 0.3, इसको नाम दे दो A, ठीक है, या P दे दो ताकि हम P और P भी ले लेंगे। अब यहाँ पे हमने कहीं भी पॉइंट ले लिया A, यहाँ पे ले लिया B, ये गलती मत करना कि हम इसको AB को डायमीटर ले लें, क्योंकि ऐसा वो कहीं नहीं कह रहा कि ये डायमीटर है, कहीं भी पॉइंट्स रख दिया 4.3 और x.5। अब अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो देखो एक बात हमें यहां से समझ आती है कि ये दोनों सर्कल की रेडियस बन गई, PA भी रेडियस है और PB भी रेडियस है, तो हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई सर्कल की यहां पे PA इक्वल टू PB क्योंकि रेडियस है, ब्रैकेट में लिखा रीजन। अब बस इतना ही काम था सर्कल का, बाकी सर्कल का इसमें कोई काम नहीं है। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, पहले PA में लगा रहा हूं मैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, PB में x माइनस 0 का होल स्क्वायर 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल आउट कर देंगे, 4 स्क्वायर प्लस 0 x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यहाँ पे बच्चे कई बार गलती क्या करते हैं, ये x माइनस 0 का होल स्क्वायर दिख रहा होता है, इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं, उतना लंबा नहीं करना है क्योंकि हमें x माइनस 0 पता है वो x ही होगा, तो x का स्क्वायर सिंपल हो गया। अब ये 4 स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो गया 16 माइनस 4 कितना हो गया 12, तो x हम क्या करेंगे 2√3 हो जाएगा, अंडर रूट करते, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता हो तो आप ऐसे एलसीएम ले सकते हो, 2 का पेयर बन गया तो बाहर रूट में 3 रह गया, क्योंकि 2 जा 4, 4 3 जा 12, क्लियर है, नोट डाउन। देखो एक क्वेश्चन है, अगर हमारे पास कह रहा है इफ टू वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर दिस, अगर हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमें सबसे पहले पता है प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, हमें थर्ड वर्टेक्स नहीं पता तो इसको हम एक्स वाई में मान लेंगे। अब सबसे पहले हमें पता है ए बी का डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, ए बी का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3√3 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 27 36 6, तो ए बी आ गया। अब देखो हम एक चीज क्लियर है, अगर ए बी आ गया तो वही हमारा बी सी होगा और वही हमारा ए सी होगा, तो अब मैं इसमें अप्लाई करता हूं
सबसे पहले एसी में कि एसी का डिस्टेंस निकालता हूं मैं, अंडर रूट एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो इससे आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, ये हो गया 36, क्लियर है। ऐसे बीसी कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर वाई माइनस थ्री रूट थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू 6। अब जैसे यहां पे हमारे पास ये है, अब हम दोनों में 36 है, इक्वेट कर सकते हैं। जैसे हम कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने ये ले लिया इक्वल टू में, ये मैं आइडेंटिटी डायरेक्ट खोल रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है, इसमें ओपन कर रहा हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, थ्री रूट थ्री है, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो अगर मैं सबको राइट में इधर लेफ्ट में ले आऊं, सिक्स एक्स प्लस सिक्स रूट थ्री वाई माइनस 36 इक्वल टू जीरो लिख सकता हूं मैं, पूरे में से 6 कॉमन ले रहा हूं, एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू 6, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 माइनस रूट थ्री वाई, ठीक है। अब हमें यहां देख के समझ आ रहा है एक्स और वाई फिर दो वेरिएबल है, तो हमारे पास दो वेरिएबल तो सोल्व नहीं हो सकते, इसको मैं यहां पुट कर दूंगा, तो मैंने एक्स की जगह पुट करा प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 36। अब यहां फिर एक आइडेंटिटी बन रही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, क्योंकि रूट थ्री का स्क्वायर 3 और वाई स्क्वायर माइनस टू इंटू 6 12 रूट थ्री वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36, थ्री वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये तो हो गया 4 वाई स्क्वायर माइनस 12 रूट थ्री वाई इक्वल टू, देखो ये 36 से 36 कैंसिल आउट हो जाएगा तो जीरो हो गया, पूरे में से मुझे फिर दिखाई दे रहा है कि 4 वाई कॉमन आ रहा है, तो ये बचा वाई माइनस थ्री रूट थ्री। अब मैं अगर 4 वाई को जीरो पे इक्वेट करूं तो मेरा वाई जीरो आ गया, एक तो ये आंसर हो गया। अब अगर मैं वाई माइनस थ्री रूट थ्री को जीरो पे इक्वेट करूं तो यहां से y मेरा 3 रूट 3 आ गया, क्लियर है। अभी तो मेरे पास y की वैल्यू आई है, अब मुझे x की वैल्यू भी चाहिए और मेरे पास यहां पे थी ये वैल्यू। देखो जैसे अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई y की, अब हम इसको y इक्वल टू 0 को यहां पुट करेंगे, ठीक है, तो x इक्वल टू 6 माइनस 0 6 हो गया, तो मैं इसको वैल्यू को यहां लिख लूंगा 6 और y कितना था 0, एक आंसर तो मेरा ये हो गया। अब मैंने y को रखा 3 रूट 3, तो इसी में रखूंगा 6 माइनस रूट 3 3 रूट 3, देखो ये रूट 3 तो मैंने रखा है इसका और y की वैल्यू 3 रूट 3 मैंने अलग रखी है, स्टेप वाइज करोगे कोई गलती नहीं होगी, ये रूट 3 तो हो गया 3 और एक 3 हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये हमारा हो गया माइनस 3, तो x की वैल्यू हमारे पास आई माइनस 3, तो यानी हमारा जब x माइनस 3 आया कब, जब हमारा y कितना था 3 रूट 3, ठीक है। अब ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, एक बार फिर बता देता हूं हमारे पास इसमें क्वेश्चन में क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, दोनों साइडें गिवन थी, तीसरी बतानी थी वर्टेक्स। अब हमें पता है AB का डिस्टेंस हमारा 6 आया, तो जो AB होगा वही BC होगा वही AC होगा। अब हमने क्या करा, AB निकाल लिया, फिर उससे AC निकाला इक्वेशन बन गई, BC निकाला इक्वेशन बन गई, दोनों को हमने इक्वेट करके यहाँ पे हमारे पास टू वेरिएबल की फॉर्म में आ गया, तो हमें इसको ऊपर पुट करना पड़ेगा, सॉल्व करते हैं, हमारे पास y की दो वैल्यूज आए, दो वैल्यू से हमारे पास क्या होगा x की दो वैल्यूज आएंगी, हमने यहाँ पुट किया इस इक्वेशन में। इसी तरह से क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।